हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। में फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो BDL की तरफ से निकल कर आ रही है। सो यस, ये परमानेंट जॉब है। इसमें आप लोगों को पैकेज 14.44 लाख पर एनम मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड की तरफ से आया है, जो एक PSU है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक परमानेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल या तो टेम्पोरारी जॉब नहीं है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 16 जुलाई 2022 से, और इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट रखा गया है 16 अगस्त 2022। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, फर्स्ट है डिप्टी मैनेजर सिविल और डिप्टी मैनेजर एक्सप्लोसिव के लिए, जिसमें आप लोग को सैलरी 50,000 से लेके 1,60,000 पर मंथ मिल जाएगी, और उसके साथ साथ अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके बाद आप लोग को सीटीसी 14.44 लाख पर एनम मिल जाएगी। नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर सिविल और असिस्टेंट मैनेजर एक्सप्लोसिव के लिए, जिसमें आप लोग को सैलरी 40,000 से लेके 1,40,000 पर मंथ मिल जाएगी, और उसके साथ साथ अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके बाद आप लोग को सीटीसी 11.61 लाख पर एनम मिल जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे डिप्टी मैनेजर सिविल और एक्सप्लोसिव के लिए जनरल एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 इयर्स का रखा गया है। असिस्टेंट मैनेजर सिविल और असिस्टेंट मैनेजर एक्सप्लोसिव के लिए जनरल एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 28 इयर्स का रखा गया है। उसके अलावा SC ST OBC PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, फर्स्ट है डिप्टी मैनेजर सिविल और असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BVTEC किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री यानी कि BTEC+MTEC करके रखे हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है डिप्टी मैनेजर एक्सप्लोसिव और असिस्टेंट मैनेजर एक्सप्लोसिव के लिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BVTEC या तो 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग केमिस्ट्री या तो एक्सप्लोसिव केमिस्ट्री में से MSc किए हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे डिप्टी मैनेजर पोस्ट के लिए मिनिमम 5 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, और असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए मिनिमम 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स हो तो उस केस में आपके BVTEC में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए, और SC ST कैंडिडेट्स के लिए BVTEC में मिनिमम 55% मार्क्स होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आपके क्वालिफिकेशन का मार्क्स और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और अगर आप लोग इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। इसमें कोई भी एग्जामिनेशन वगैरह नहीं रखा गया है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज एप्लीकेशन फी रखा गया है। SC ST PWD एक्सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, कम्प्लीटली फ्री है उन लोगों के लिए। और एप्लीकेशन फी आप लोगों को ऑनलाइन सबमिट करना होगा। एप्लीकेशन प्रोसीड्योर की बात करें तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन प्रोसीड्योर यहीं पे ऑनलाइन रखा गया है। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप लोग को उसी वेबसाइट में विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग उसको प्रिंट आउट करना है, और प्रिंट आउट करने के बाद उसके साथ आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मार्क्शीट्स और सर्टिफिकेट से उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, उसके अलावा SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, EWS कैंडिडेट्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, PWD कैंडिडेट्स के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, उसके साथ आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का कॉपी, उसके अलावा आपका जो करेंट CTC है उसका सर्टिफिकेट, और ये सब डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आप लोग को उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके एक एनवेलप बनानी पड़ेगी, और उस एनवेलप के ऊपर आप लोग को मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आप लोग जो भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका नेम,
और उसके बाद आपका नेम और उसके पास में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये मेंशन करने के बाद आप लोगों को उस एनवेलप को, इसका जो ऑफिशियल एड्रेस यहीं पे मेंशन है, आप लोगों को उसी एड्रेस पे 23rd August 2022 से पहले स्पीड पोस्ट या तो रजिस्टर्ड पोस्ट या तो कुरियर के थ्रू पे सेंड करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद मिल जाएगी। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो फ्रेंड्स, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 16 जुलाई 2022 से। इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट रखा गया है 16th August 2022। एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी सबमिशन के लिए लास्ट डेट रखा गया है 23rd August 2022। उसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी डाउट्स है तो क्वेश्चंस है तो आप लोग इसी ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट करके आप लोगों का डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन। नेक्स्ट में आप लोगों को दिखाया था उसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट और ये है इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स जो आप लोग देख पा रहे हो। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल अभी तक ओपन नहीं हुआ है। जब इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होगा तो उस टाइम आप लोग को इसमें अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग को क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन और वीडियो का डिटेल्स। आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आपका डिग्री एंड डिसिप्लिन कमेंट में जरूर मेंशन करना, ताकि आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट्स लेके आ सकूं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।